हेलो मेरे लेडीज एंड लेडास, तो कैसे हो आप सभी लोग। होप कि आप सभी लोग बढ़िया ही हो गए। सो आई नो यार, मैं काफी दिनों बाद आया हूँ आप सभी के साथ गुफ्तगू करने के लिए, मगर मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, स्टडीज भी यार इम्पोर्टेंट है आपके जैसे ही यार, जैसे आप इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। सो वेल यार, छोड़ो उन सभी पुरानी बातों को, तो अब साथ में मिलकर करते हैं कुछ अमेजिंग रिलेटेड सीन को वॉच। तो यार आज मैं फिर से आ चुका हूँ रिलेटेड सीन को लेकर, और आज के सीन काफी यार दिवाली को स्पेशल करने वाले हैं। तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ, तो ये रहे कुछ शॉर्ट आउट्स के विनर जिन्होंने आंसर दिया था सही वाला एक मंथ पहले। तो ये रहे सभी शॉर्ट आउट्स के विनर रियल है। आपको लगा होगा कि आपको शॉर्ट आउट नहीं मिलेगा, नहीं, मगर आपका भाई ऐसा नहीं करेगा, आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। और अगर आप भी चाहते हो शॉर्ट आउट पाना, तो वीडियो को एंड तक देखो और पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर दो। ओके सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं सिंचन के रिलेटेड सीन। सबसे पहले, जैसे कि हम लोग अपने परंपराओं को पालन करते हुए आ रहे हैं, सिंचन को सबसे पहले ले रहे हैं। तो यहाँ पर सिंचन का एक रिलेटेड सीन है जिसमें यार सिंचन का डैड जो सपना देख रहे होते हैं, उस सपने में कुछ ऐसा होता है कि यार उसको अपने ऑफिस में से अपने बॉस से एक बीच पर ले गए होते हैं ट्रिप के अंदर। और उस ट्रिप में यार काफ़ी सुंदर सुंदर हसीनाएँ होती है बीच के ऊपर, और वो काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं उन लड़कियों के साथ। और इवेंट्स वो क्या ही मज़े कर रहे है वो तो आप सभी लोग को पता ही चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो फिर उस सपने के बाद हमें दिखाया जाता है बिहाइंड द सीन, और वो बिहाइंड द सीन ये होता है, वो सिंचन के साथ मजे कर रहे होते हैं, उसकी बम डिगी डिगी बम के साथ खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर यार ये तो समझ में आ गया कि हैरी यार अपने सपनों में डूबा हुआ है, इसलिए उसे पता नहीं कि यार वो अपने बेटे से ही खेल रहा है, इवन उसके बम से ही खेल रहा है। मगर यार यहाँ पर सिंचन को देखो यार, सिंचन को क्या ही मजे आ रहे हैं यार, उसको शकल, उसकी शकल देखो यार एक बार तुम लोग। बस यार बस अब ये कमेंट में बताओ कि सिंचन कौन सा सपना देख रहा है, बस ये बताओ एक बार। एंड देन हमें यार एक सिंचन के एनिमे से एक पिच मिली थी जो कि इस वाले सीन को यार डिलीट कर दिया गया था रियल में हंगामा टीवी के ऊपर, और आप लोगों को नहीं बताया गया था, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली वो पिच थी। और इसको इसी वजह से डिलीट करा था क्योंकि यार इसमें सिंचन और उसके दद्दू एक लड़की को घूर रहे थे बहुत ही गंदी नज़रों से, और यहाँ पर आप लोग समझ ही सकते हो कि वो लोग किस जगह को घूर रहे हैं और क्यों घूर रहे हैं और उनका इंटेंशन क्या रहा होगा इस लड़की को देखकर। तो यार ये काफ़ी बैड थिंग है, तो ये तो हमें टीवी पर नहीं बताए गए हमारी शक्ति के लिए, क्योंकि यार हमारे रक्षक या हमारे भक्षक नहीं बनने चाहिए। सो अच्छा हुआ इसको डिलीट ही कर दिया। तो अब दोस्तों हम देखने वाले हैं डोरेमोन के रिलेटेड सीन, और ये जो डोरेमोन के रिलेटेड सीन है वो एक सीन नहीं है मात्र, वो एक एपिसोड था पूरा का पूरा, जो कि एक गैजेट के ऊपर बेस्ड था, और वो गैजेट काफ़ी यार असली गैजेट था, दैट्स वाई इस पूरे एपिसोड को स्किप कर दिया गया था डोरेमोन के एनिमे से। सो यार टेंशन मतलब मैं इस एपिसोड को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस एपिसोड में ऐसा होता है कि यहाँ पर यार एक ड्राइंग कंपटीशन चलती है डोरेमोन और उसके दोस्तों के बीच, नोबिता उसमें पार्टिसिपेट करता है, मगर यहाँ पर जियान एक बहुत ही गंदी ड्राइंग करता है, और उसको देखकर यार सुनियो उसकी तारीफ कर देता है और वो बोलता है कि मैंने भी तुम्हारी जैसी अच्छी अच्छी कई ड्राइंग्स की है। तो यार जियान भाई अपने भाई आपा को देता है, और वो फिर डिसाइड करता है कि वो एक पेंटर बनेगा, काफ़ी अच्छा पेंटर बनेगा। तो फिर वो उसी वजह से यार नोबिता को अपने घर बुलाता है और उससे अपनी पेंटिंग दूरवाता है, मगर यार जियान से कोई अच्छी पेंटिंग नहीं बन रही होती, दैट्स वाई वो नोबिता को बहुत मारता है, और वो मार खा कर अपने डोरेमोन के पास जाता है कि यार मेरे साथ ये सब हुआ। तो फिर यार डोरेमोन अपने एक गैजेट निकालता है काफ़ी अश्लील वाला, और उस गैजेट का काम यह होता है कि अगर आप उसकी लाइट अगर आप एब्जॉर्ब करोगे तो आपकी स्किन निकल आएगी, नंगी पुंगी स्किन होगी, और फिर आपको उसको कलर कर उसके अंदर हवा बननी होगी और वो एक डमी पुतला जैसा बन जाएगा आपके लिए। तो फिर नोबिता उस पुतले को लेकर जियान के घर जाता है, उसके अंदर हवा पुरता है और कंप्लीट कर उसको बिठा देता है और चोरी छुपे वहाँ से निकल जाता है। पर एट दी एंड जियान को पता चल जाता है कि वो नोबिता नहीं है, और उस गैजेट को वो तोड़ देता है, और फिर वो सुन्यो को मारने के लिए जाता है, मगर यार सुन्यो डोरेमोन से हेल्प मांगता है और उसी पुतले को यूज़ करता है एक बार, और फिर यार जियान भी जो होता है हमारा वो भी उस पुतले को यूज़ कर सुन्यो के पुतले का सामने ही रख देता है अपने प्लेग्राउंड के पास ही। मगर यार उस रात काफ़ी बारिश होती है, और बारिश होने के बाद आपको पता ही है कि यार पुतलों का हालत क्या हो जाएगा, मतलब कि वो दोनों ही पुतले नंगू पंगू हो जाते हैं, कलर उनका चला जाता है, और अगली सुबह यार सभी लड़कियाँ देखकर शर्मा जाती है प्लेग्राउंड को, क्योंकि यार
जियान और सुनियो के पुतले एकदम नंगू पंगू थे और डेट्स वाई यार इस एपिसोड में इतना ज्यादा नंगू पंगूपन था कि यार इसको यार स्किप ही करना पड़ा था इंडिया में से। बाय द वे आप अपने रीजन बताओ कि अगर ये रिलीज होता तो आप देखते या फिर तो नहीं इसको। सो फाइनली दोस्तों अब हम देखने वाले हैं पोकेमोन का रिलेटेड सीन, मगर उन सीन को देखने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी हर रोज रेगुलर और आप हमारे वीडियोस एंजॉय कर पाओगे बिना कोई बकवास किए। सो वेल यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ओके सो वेल दोस्तों पोकेमोन के रिलेटेड सीन में यार एक दो सीन मुझे मिले हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा और एक थियरी भी है। सो वेल दोस्तों कि कभी आपने यार लियोन को शर्टलेस नहीं देखा होगा। हाँ आपने पोकेमोन एनिमे में ब्रोक को शर्टलेस देखा होगा जो कि ऐसा दिखता है कुछ, मगर आपने लियोन को नहीं देखा होगा। तो यार देख रहे यहाँ पर लियोन है शर्टलेस, तो ये शायद लियोन का जो पीच है शर्टलेस वाला वो शायद डिलीट हो सकता है पोकेमोन के अंदर, बिकॉज यार इंडिया में तो यार कुछ बोल नहीं सकते यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हाँ एक पोकेमोन के एपिसोड में जर्नीस के एपिसोड के एक स्पेशल वाले एपिसोड में हमें यह बताया गया था कि ब्रोक रिटर्न किया था उस एपिसोड में, और उस एपिसोड में यार ब्रोक ने काफ़ी बॉडी बिल्डिंग की थी अपनी शर्ट उतार कर। तो शायद वो वाला एपिसोड भी यार शायद स्किप हो सकता है पोकेमोन में, क्योंकि यार मैं आपको बता रहा हूँ कि यार यहाँ पर ऐसा नंगो पंगूपन नहीं चलता। मगर यार एक थियरी के चलते हुए ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यार देखो यार पहले भी पोकेमोन में हमें कई बार शर्टलेस एश को दिखाया गया है, मिस्टी को दिखाया गया है, इवेंट्स लड़कियों को भी दिखाया गया है बीच वाले आउटफिट्स में, और ब्रोक को भी इवेंट्स दिखाया ही है पहले शर्टलेस में। तो यार मुझे तो नहीं लगता कि इन सभी सीन्स को वो लोग डिलीट करेंगे, मगर यार देखते हैं कि क्या होगा पोकेमोन जर्नीस के अंदर, क्या ये इन दोनों को यार हमें शर्टलेस देखने को मिलेगा या फिर तो नहीं। बाय द वे यार आप बताओ कि आपको इस वीडियो में कितना मजा आया है, कितना इंटरेस्टिंग लगा है और कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और हाँ दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ, तब के लिए टाटा एंड बाय बाय। और हमारे ये पुराने वीडियोस भी देख लो यार, काफी ऑसम बनाया है, तो एक नजर देख लो।